नमस्कार किसान भाइयों, जयपुर मंडी भाव चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में है हमें गुलशन ओनियन कंपनी गुलशन भाई के पास, और प्याज में क्या बाजार देखने को मिल रहा है, कितनी आवक देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट, क्या बाजार देखने को मिल रहा है। प्याज की क्वालिटी देख सकते हैं, गुजरात वाला भी प्याज नज़र आ रहा है, स्टॉक वाला है अभी फिलहाल, जो पुराना बैलेंस पड़ा है वो है। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी। तो सर आज क्या पोजीशन रही प्याज की? प्याज की पोजीशन देखो भाऊ जी, बाहर के माल की तो थोड़ा उठाव कम है, नासिक वासी के माल का। हाँ जी हाँ जी। क्या एक तो त्योहार की वजह से गिराकी नहीं है, बाजार के अंदर बहुत कम है गिराकी। आज तो बिल्कुल ही ग्राहक नहीं है सर। हाँ, ग्राहक कम है और बाजार जो है यही नासिक के माल बिक रहे हैं 16-17, बहुत बढ़िया 18 ऐसे बिक रहे हैं, 15 से 18 की बाजार है। और जो लोकल प्याज है वो लोकल भी यही भाव बिक रहे हैं। सीकर कुचामन वाले तो बिक रहे देखो 12 रुपए से लेके 13-14 रुपए किलो तक, 15 रुपए किलो लास्ट, बहुत बढ़िया माल हो तो। 15 का भी 15 बिक रहा, बढ़िया माल बिल्कुल। हाँ, और जयपुर वाला लोकल प्याज है वो भी समझो 14 रुपए किलो से 18 रुपए किलो ही बाजार है। अच्छा जी। हाँ, और सर ये गुजरात वाला? गुजरात वाला प्याज भाई साहब बिहार भाव बिक रहा है, 15 रुपए से 18 रुपए किलो बिक रहा है, 15 से 18 का बाजार है। हाँ, ये तो गाड़ियां आ रही है या बैलेंस है सर? नहीं नहीं, गाड़ी आई है गुजरात की, तो 3-4 गाड़ी आई है बाजार में। अच्छा जी। महाराष्ट्र का माल ज्यादा बैलेंस है। अच्छा जी। आई तो महाराष्ट्र की भी है कुछ गाड़ी, लेकिन नीचे माल बैलेंस ज्यादा है महाराष्ट्र का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज आवक की बात करें तो कितनी आवक? आवक तो देखो बहुत ही नीचे ऊपर, बाहर का माल 50 गाड़ी से ज्यादा पड़ा है। बिल्कुल। हाँ, और ये जो पीली पत्ती वाली है, पीली पत्ती वाला भी थोड़ा ज्यादा आया है आज माल, अब ये धीरे धीरे निकलना चालू हो गया। अब क्या हमारे यहाँ राजस्थान में लोकल माल निकलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। अब पीली पत्ती का धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे महाराष्ट्र साइड की लोडिंग भी यहाँ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पड़ता ही नहीं खाएगा अब लोगों का, क्योंकि यहाँ लोकल माल चल जाएंगे वो मंदे मिलेंगे, तो धीरे धीरे थोड़ी लोडिंग कम हो जाएगी उधर की। उधर का बस वही माल बिकेगा जो VIP माल आएगा, एक एक गाड़ी करके वो बिकती रहेगी बाजार में, कम हो जाएगी लोडिंग। सर ये जो पीली पत्ती वाला है अब की बार बहुत महंगा है, पिछली बार तो सभी प्याजों से सस्ता होता था। अभी चला नहीं है पूरी तरह से, धीरे धीरे माल चल रहा है और ये पूरा माल चल जाएगा तो फिर ये भी डाउन आ जाएगा, इसमें बाजार तो गिरेगी। अच्छा जी। लेकिन ये आमदनी अभी लिमिटेड आ रही है इसलिए भाव है। बिल्कुल। और धीरे धीरे जैसे बाजार बढ़ेगा, आज ही और दिनों से 1-1.5 रुपया मध्य ही है ये पीली पत्ती। बिल्कुल सर। हाँ, और ये और भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा इसका। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से बाजार 10 से 15 के बीच में तो घूमने वाला है? हाँ, 10-15 रुपए बीच में तो रहेगा बाजार। बिल्कुल। जो फसलें ज्यादा निकल के आएंगी तो भाव थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ये भाव रहेगा। बहुत बढ़िया। और आज ईद है देखो यादव जी, और मैं अपने सब मुस्लिम भाइयों को, सब दोस्तों को, सब व्यापारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, सबको नमस्कार है। धन्यवाद सर आपका।